नमस्कार दोस्तों, मेंटल फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर हिंदी ऑडियो बुक समरी कृष्ण के 200 प्लस चौंकाने वाले सत्य पुस्तक के ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड 15, कृष्ण के साथ अंतिम समय कौन था। यादव स्थली की घटना के बाद कृष्ण जंगल में चले गए। वहां उन्हें हिरण समझकर एक जरा नाम के व्याधे ने बांध चला दिया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। वह व्याधा जब अपना शिकार लेने नज़दीक आया तो अपने राजा को घायल देखकर बुरी तरह डर गया। वही व्याधा कृष्ण के अंतिम सांस तक उनके साथ था। इस घटना की चर्चा महाभारत तथा विष्णु पुराण में विस्तार से की गई है, लेकिन हरिवंश पुराण में इसके बारे में एक श्लोक भी नहीं मिलता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण तथा गर्ग संहिता में भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। सर्वप्रथम महाभारत में देखें, वैशंपायन जी ने कहा, अब तो जरा अपने को अपराधी मानकर मन ही मन बहुत डर गया। उसने श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए। तब महात्मा श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया और अपनी कांति से पृथ्वी एवं आकाश को व्याप्त करते हुए वे ऊर्ध्वलोक में चले गए। महाभारत मसल पर्व अध्याय 4 श्लोक 24। विष्णु पुराण में यह प्रसंग इस प्रकार है। व्याधे ने कृष्ण से कहा, मैं बिना जाने ही मृग की आशंका से यह अपराध कर बैठा हूँ, कृपया मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपने पाप से दग्ध हो रहा हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 37 श्लोक 71। पराशर मुनि ने मैत्रेय मुनि से कहा, जरा नामक व्याधे के चले जाने के बाद श्री कृष्ण ने अपनी आत्मा को ब्रह्म स्वरूप में लीन कर त्रिगुणात्मक गति को पार करके इस मनुष्य शरीर को छोड़ दिया। विष्णु पुराण अंश 5 अध्याय 37 श्लोक 74 से 75। भागवत पुराण में बाण लगने के बाद कृष्ण ने उस जरा नामक व्याधे को, जो कि डर के मारे कांप रहा था, सांत्वना देकर वापस भेज दिया और उसके बाद उन्होंने दारुक को भी द्वारका जाने को कह दिया। श्री कृष्ण ने दारुक से कहा, दारुक, अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारस्परिक संहार, भैया बलराम की परम गति और मेरे देहांत की बात कहो। भागवत पुराण स्कंद 11 अध्याय 30 श्लोक 44। यानी महाभारत और विष्णु पुराण के विपरीत, भागवत पुराण में मृत्यु के समय कृष्ण के पास उनका सारथी दारुक था। क्या कृष्ण ने सत्राजीत की मशहूर संत्यक मणि चुराई थी? क्या कृष्ण ने सत्राजीत की मशहूर समयंतक मणि चुराई थी? इस प्रसंग की जहां भी चर्चा की गई है, उन सभी जगहों पर एक ही बात बताई गई है कि कुटिल सत्राजीत ने बेवजह निर्दोष कृष्ण पर मणि चुराने का आरोप लगाया था, लेकिन घटनाओं के वर्णन में पाई जाने वाली भिन्नता से यह अनुमान लगाया जाता है कि जो कुछ लिखा हुआ है उतना ही भर इस घटना का सत्य नहीं है। इस संबंध में गर्ग संहिता में एक स्थान पर ऐसा वर्णन आया है। नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर सत्राजीत नामक एक प्रसिद्ध और संभ्रांत यादव को साक्षात सूर्य ने समयंतक मणि दे रखी थी। कृष्ण ने राजा उग्रसेन के लिए वह मणि मांगी, लेकिन सत्राजीत ने द्रव्य के लोभ से वह मणि नहीं दी, क्योंकि वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना पैदा करती थी। गर्ग संहिता द्वारका खंड अध्याय 8 श्लोक 2-3। एक भार मतलब कि 8000 तोला मतलब कि एक आधुनिक क्विंटल। और फिर यूं तो कृष्ण की समृद्धि में कई राजाओं से मिले सम्मानपूर्ण दान तथा गोमंतक की टेकरी से निकले खजाने का योगदान प्रमुख था, लेकिन द्वारका की स्थापना करने तथा उसे समृद्ध करने के लिए उतना ही धन पर्याप्त नहीं था। ऐसे में उपरोक्त श्लोक ग्रंथों में लिखे वर्तमान बातों पर शक पैदा करते हैं। दूसरी ओर ग्रंथों में
सतधनवा कृतवर्मा तथा अक्रूर को मणिचोर बताया गया है। वह मणि उन्होंने द्वारका से ही चुराई थी। ऐसे में सवाल यह कि वह मणि द्वारका आई कैसे। खैर, जब मणि अक्रूर के पास से जब्त की गई तो यह तय हुआ कि यह मणि अक्रूर के पास ही रहेगी, यानी द्वारका में नहीं रहेगी। लेकिन उसके बाद कि द्वारका की स्थिति पर गौर किया जाए तो कई बातें सामने आ जाती हैं। ग्रंथों को पढ़ने वाला कोई भी व्यक्ति यह महसूस कर सकता है कि इस घटना के बाद द्वारका का क्रमशः पतन प्रारंभ हो गया था। जाहिर है कि द्वारका की समृद्धि में समयंतक मणि का भी हाथ था। यह बात ग्रंथों में न सही लेकिन विद्वानों में जरूर मान्य है। कृष्ण के प्रमुख शौक क्या क्या थे? कृष्ण के जीवन से जुड़े प्रायः सभी ग्रंथों के सूक्ष्म अध्ययन के आधार पर यह अधिकारिक पूर्व कहा जा सकता है कि शौक के नाम पर कोई भी भाव, कार्य या वस्तु उन पर हावी नहीं था। उनके लिए यह भी अपने आप में एक शौक था। वर्तमान जो और जैसा भी होता था वे उसी को जीते थे। प्रश्न में शौक के पीछे जो भाव छिपा है वैसा कोई भी शौक कृष्ण को नहीं था। अन्यथा बाजा बजाने का मन हो और हाथ में बांसुरी नहीं तो पेड़ के पत्ते मोड़कर भी बजा लेते थे। माँ के पहनाए आभूषण कम पड़ते हो तो मोर पंख से लेकर फल फूल से भी वे खुद को उतने ही शौक से सजाते थे। अतः कृष्ण को किसी एक या दो चार शौकों के पल्ले बांधना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। कृष्ण के इतने विशाल जीवन और गाड़ी भर पुस्तकों को पढ़ने के बाद भी एक ऐसा कर्म या ऐसी वस्तु नहीं चुनी जा सकती जिसे कृष्ण का शौक कहा जा सके। वे अपने को परिस्थिति के अनुसार ढालने में माहिर थे। उन्हें किसी चीज़ से ऐतराज नहीं था। अतः जो लोग उन्हें बांसुरी, पीताम्बर, छप्पन भोग, रथ, कूटनीति आदि का शौकिया बताते हैं वे उन्हें 1% भी नहीं जानते। यदि कृष्ण के हर कर्म को शौक के तौर पर लिया जाए तो उनके शौकों की सूची इससे भी काफ़ी लंबी हो जाती है। सो एक वाक में कहा जाए तो वे सब कुछ अंगीकार किए हुए थे। उनसे कुछ भी अछूता नहीं था। कृष्ण को सत्राजीत का रिश्ता क्या था? कृष्ण और सत्राजीत का रिश्ता क्या था? सत्राजीत कृष्ण की पत्नी सत्यभामा का पिता और समयंतक मणि का मालिक था। वह कृष्ण का कट्टर प्रतिद्वंद्वी था और उसने मथुरा से लेकर द्वारका तक मृत्यु पर्यंत कृष्ण का पीछा नहीं छोड़ा था। वह काफ़ी धनी मानी यादव संभ्रांत था और मथुरा गणराज्य का वासुदेव जी जैसा ही सम्मानित व्यक्ति था। महत्वाकांक्षी सत्राजीत कंस की मृत्यु के बाद मथुरा का राजा बनने को आतुर था और उग्रसेन को गद्दी से उतारने हेतु वह तरह तरह के हथकंडे अपना रहा था। लेकिन यह उसका दुर्भाग्य ही था कि कंस की मृत्यु के साथ ही मथुरा में कृष्ण का कद उसके कई गुना बड़ा हो गया था और इसलिए वह जीवन भर कृष्ण से दुश्मनी पाले बैठा रहा और यही उनका आपसी रिश्ता था। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक लाइफ को खूब इंजॉय करें, मस्त रहिए, आनंद रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।